दिल्ली के तपते आसमान में एक छोटे से हवाई जहाज ने झिलमिलाते हुए उड़ान भरी। ये पिट्स S-2A विमान था। विमान आसमान में कलाबाजियां दिखाने लगा, लेकिन कुछ देर बाद अचानक ये स्थिर हुआ, ठहरा और फिर एक सीधा गोता लगाया। पायलट समय पर उसे ऊपर नहीं उठा सका। चंद सेकंड्स के भीतर विमान धरती से टकरा गया, उसके चीथड़े उड़ गए। विमान में मौजूद पायलट की मौत हो गई। विमान उड़ाने वाले इस पायलट का नाम था संजय गांधी। तारीख था 23 जून 1980। उनकी मौत से चुनावों में कांग्रेस की जीत त्रासदी में बदल गई। इस हादसे के एक दिन पहले शाम को पत्नी मेनका गांधी ने उनके साथ इसी विमान में सैर की थी। मेनका गांधी बताती हैं, इस सैर के दौरान मैं डर के मारे कई बार चीखती रही। जब हम जमीन पर उतरे तो फटाफट घर पहुंचकर मैंने अपनी सास इंदिरा गांधी से कहा, माँ मुझे आपसे अनुरोध करना है, आप संजय को ये विमान उड़ाने से मना कर दीजिए। वो चाहें और जो विमान उड़ाएं, मगर ये वाला विमान नहीं। हालांकि उस रोज तकदीर को कुछ और मंजूर था। संजय ने विमान उड़ाया, उनकी मौत हुई। और उनकी मौत ने गांधी परिवार के अंदर ऐसी दरार पैदा कर दी कि कभी अपनी सास को प्यार से माँ बुलाने वाली मेनका गांधी आगे जाकर उनकी कट्टर दुश्मन बन गई। दुश्मनी इतनी बढ़ी कि मेनका ने इंदिरा का घर छोड़ दिया। संजय गांधी का कांग्रेस की राजनीति में बड़ा योगदान हुआ करता था। पार्टी के बड़े फैसलों में पर्दे के पीछे से संजय काम किया करते थे। उसके बरक्स संजय के भाई राजीव का राजनीति से वास्ता नहीं था। लेकिन जब उनकी मौत के बाद राजीव गांधी को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर सामने लाया गया तो इस बात से मेनका गांधी नाराज हो गई थीं। इस नाराजगी का कारण सागरिका घोष की किताब इंदिरा इंडियास मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में मिलता है। सागरिका लिखती हैं कि मेनका ने सिमी गरेवाल को एक दफा बताया, मैं बहुत युवा थी और मेरी सास बहुत अधिक उम्र की थी। उस दुर्घटना में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था और वे उससे कभी उबर नहीं पाई। लेकिन मेरे प्रति उनका रवैया ऐसा था कि तुम क्यों नहीं मरी। किताब में आगे जिक्र है, मेनका अपने बुरे संबंधों का दोष राजीव और उनके परिवार पर मढ़ती हैं। इंदिरा अपने दूसरे बेटे को चाहती थीं। राजीव को सामने लाने के लिए मनाया गया। इसके लिए उनकी और उनके परिवार की बहुत सी मांगे माननी पड़ी। मेनका को दूर करना उन मांगों में से एक थी। राजीव के परिवार ने कहा, अगर मेनका नहीं गई तो हम चले जाएंगे। मेनका को लगता था कि किसी जवान विधवा को उसका हक देने के मामले में गांधी परिवार ने अपरिपक्वता दिखाई। सभी पारंपरिक भारतीय परिवारों की तरह राजीव के आने के बाद मेनका का सिक्का कमजोर पड़ गया था। वे खुद को संजय की वारिस के रूप में स्थापित करना चाहती थीं। खुशवंत सिंह तब हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के रूप काम कर रहे थे। उन्होंने संजय की मौत के कुछ दिन बाद लिखा, संजय जैसे लोकप्रिय व्यक्तित्व की एकमात्र संभावित वारिस मेनका ही हैं। शेर पर सवार दुर्गा की तरह। लेकिन शेर पर सवार दुर्गा के अवतार का दर्जा तो पहले से इंदिरा के पास था। एक घर में दो दुर्गा होना संभव कैसे हो सकता था। इसलिए अब मेनका के घर से जाने का रास्ता धीरे धीरे खुलने लगा था। इस रास्ते को चौड़ा करने का काम किया मेनका की लखनऊ में हुई मीटिंग ने। मार्च 1982 लखनऊ में अकबर अहमद दंपी ने एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में संजय गांधी की लेगेसी को याद किया जाना था।
साथ ही एक शक्ति प्रदर्शन करना था। संजय गांधी के उत्तर प्रदेश में अभी भी कई वफादार विधायक मौजूद हैं, जो राजीव गांधी को स्वीकार नहीं करेंगे। इस सभा की भनक इंदिरा गांधी को पहले से थी। उन्होंने मेनका को इसमें न शामिल होने की हिदायत दी थी। हिदायत देकर वो अपने लंदन दौरे के लिए रवाना हो गईं। अपने पति की लेगेसी किसी और के पास जाना मेनका को रास नहीं आ रहा था, इसलिए वो इस धमकी रूपी हिदायत के बावजूद उस सभा में शामिल हुई। वहां उन्होंने जोरदार भाषण दिया। जब इंदिरा भारत लौटी तो उन्होंने मेनका के किए के बारे में पता चला। वो ये सब सुनकर आग बबूला हो गई। उन्होंने फौरन अपनी बहू को गुस्से से भरी एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में मेनका को उनके परिवार और उनकी पृष्ठभूमि के लिए शर्मिंदा किया गया था। ये भी लिखा गया कि वो संजय से उनकी शादी के लिए कभी राजी ही नहीं थी। लखनऊ में मेनका के कांड के बाद इंदिरा की परेशानियां बहुत बढ़ गई थीं। सभा में भाषण देने के बाद मेनका वापस दिल्ली के सफदरजंग स्थित घर पहुंची। वहां वो इंदिरा और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ रहती थीं। घर में 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी का जन्म हुआ था। घर लौटने के बाद मेनका का इंदिरा से आमना सामना हुआ। उस रात घर के अंदर जो हुआ उसका जिक्र स्पेनिश लेखक हावियर मोरो ने अपनी किताब द रेड साड़ी में किया है। हावियर लिखते हैं, 28 मार्च 1982 की सुबह मेनका का इंदिरा से आमना सामना हुआ। मेनका ने इंदिरा से अभिवादन किया। जवाब में इंदिरा ने कहा, हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद मेनका ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर बाद एक नौकर उनके पास खाने की थाली लेकर आया। मेनका ने उससे पूछा, आप खाना कमरे में क्यों लाए हो? जवाब मिला, मैडम ने कहा है वो नहीं चाहती कि आप दोपहर के खाने में परिवार के बाकी सदस्यों के साथ शामिल हों। एक घंटे बाद वो नौकर वापस आया और मेनका से कहा, मैडम ने आपको बुलाया है। गलियारे से नीचे जाते हुए मेनका के पैर कांप रहे थे। वो मीटिंग हॉल के बाहर इंतजार कर रही थीं। ये इंतजार लंबा होता जा रहा था। इस दौरान मेनका एक छोटी लड़की की तरह अपने नाखून चबा रही थी। अचानक उन्होंने शोर सुना और इंदिरा दिखाई दी गुस्से में। उनके साथ धीरेंद्र ब्रह्मचारी और सचिव धवन भी थे। इंदिरा ने मेनका की ओर उंगली उठाई और चिल्लाई, फौरन इस घर से निकल जाओ। मैंने तुमसे कहा था लखनऊ की सभा में मत जा, लेकिन तुमने वही किया जो तुम चाहती थी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे हर एक शब्द में जहर था। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब देख नहीं सकती? इस घर को अभी छोड़ दो और अपनी माँ के घर वापस चली जाओ। इंदिरा ने मेनका को कपड़ों के अलावा घर से कुछ भी न लेने की चेतावनी दी। इस गहमा गहमी के बाद मेनका ने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया। उन्होंने अपनी बहन अंबिका को फोन घुमाया और पूरा किस्सा सुनाया ताकि वो प्रेस को सारी बात बता सकें। रात के 9 बजे तक घर के सामने अंतर्राष्ट्रीय संवाददाताओं का एक हुजूम खड़ा हुआ था। इसमें कई फोटोग्राफर भी मौजूद थे। बात इतनी फैल गई थी कि पुलिस बल भी बड़ी संख्या में तैनात हो गई थी। तभी मेनका की बहन अंबिका भी वहां पहुंच गई। मेनका और अंबिका आगे की रणनीति तय ही कर रहे थे कि अचानक इंदिरा कमरे में घुसी और मेनका से एक बार फिर घर से निकलने को कहा। अंबिका ने इंदिरा की बात को काटते हुए कहा, वो कहीं नहीं जाएगी और ये उनका भी घर है।
गुस्साई इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, नहीं ये तुम्हारा घर नहीं, ये भारत के प्रधानमंत्री का घर है। इसके बाद अंबिका ने अपनी बहन मेनका का सामान पैक किया। कुछ देर में मेनका का सामान एक गाड़ी में लादा जा रहा था। मेनका इस घर से अकेले नहीं जा रही थीं। उनके साथ 2 साल के बेटे वरुण गांधी भी थे। इंदिरा अपने पोते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थीं। हावियर लिखते हैं, इंदिरा ने रात में ही अपने मुख्य सचिव पीसी एलेक्जेंडर को बुलावा भेजा। एलेक्जेंडर आधी रात को हड़बड़ी में उठे। उन्हें लगा कोई अंतर्राष्ट्रीय संकट आ गया है। इंदिरा ने खूब कोशिश की वरुण उनके पास ही रहे, लेकिन उनकी लीगल टीम ने उन्हें समझाया ये संभव नहीं हो पाएगा। रात के तकरीबन 11 बजे मेनका अपनी बहन और बेटे वरुण के साथ गाड़ी में बैठकर घर से चली गईं। तो दोस्तों, यह था संजय गांधी के मौत के बाद मेनका गांधी के संघर्ष, जहां सासू माँ की भूमिका में था भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी। वैसे आपको क्या लगता है, कौन सही था? कृपया आपके कीमती राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसी के साथ आपके दोस्त नंदन विश्वास को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में राजनीति के कुछ नए कहानियों के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।